हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल मशीन्स, ये चैप्टर चल रहा है। इसका ये नेक्स्ट टॉपिक है लीवर। लीवर हम मोस्टली जनरली हम लोग ये जो वर्ड है बहुत यूज़ करते हैं जनरली रोज के व्यवहार में। लीवर ये वर्ड हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ये लीवर क्या है? लीवर इज अ रिजिड रॉड विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। अभी आपको एग्जांपल दिया जाए तो आप कैंची ले, तो कैंची जो कैंची हम काटते हैं तो कैंची के दो मतलब दो पार्ट्स रहते हैं जो एक रिवेट टाइप इसमें ज्वाइन करते हैं, मतलब एक रिवेट टाइप या बोल्टिंग में एक उसे सेंटर में उसे फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, और वो सेंटर के ऊपर नीचे वो हम लोग वो ऐसा अंदर बाहर होता है कैंची, बराबर ना? कैंची आपने सभी देखे है। तो वो जो फिक्स पॉइंट है या फिर वो रिवेट जहाँ पे है कि वो दोनों कैंची मतलब दोनों कैंची पार्ट से जॉइंट है, वहाँ पे मिलते हैं, तो वो हो गया फल्क्रम। और जो हम हैंडल से ऐसे कैंची उसमें अपनी उंगली डाल के हम लोग ऊपर नीचे करते हैं काटने के लिए, तो वो क्या हो जाता है? वो लीवर हो जाता है, ठीक है। और जो वो कैंची वो घूमती है बीच में, वो पॉइंट के बीच में या पॉइंट वो रिवेट या फिर बोल्ट जो रहेगा उसके बीच में घूमती है, वो उसे क्या कहते हैं हम? फल्क्रम। तो ए लीवर इज ए रिजिड रॉड विच रोटेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। देखो कैंची में वो फिक्स पॉइंट रहता है, तो वो क्या होता है? फल्क्रम। मतलब कोई भी फिक्स पॉइंट के ऊपर आजू बाजू अगर लीवर घूमता है तो वो फल्क्रम होता है। एग्जाम्पल है कटिंग पिलर, बराबर ना? कटिंग पिलर, ए पैर ऑफ सीजर्स अभी जो मैंने बताया वो, क्रोबार, बीम बैलेंस। ये बीम बैलेंस मोस्टली हमें कहाँ पे देखने मिलता है? देखो बीम बैलेंस जहाँ पे छोटे बच्चे खेलने का रहता है, देखो ऊपर नीचे करते एक बाजू मतलब सेंटर में किया रहता है और आजू बाजू दोनों साइड कॉर्नर पे बच्चे लोग बैठते हैं, और एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है, दूसरा ऊपर जाता है तो वो पहला वाला नीचे जाता है। तो वो हो गया वो जहाँ पे बैठते हैं वो लंबा रोड, उसे क्या कहेंगे? लीवर। और बीच में जो सेंटर, वो सेंटर के ऊपर जो वो लीवर जो ऊपर नीचे होता है, तो वो हो गया फल्क्रम। बराबर? अपने हर छोटे बच्चे के स्कूल में वो रहता है ये खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लोड फॉल्ड फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड लोड आर्म, एंड द डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म, ठीक है। सिंपल है, द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड द लोड आर्म, एंड द डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फल्क्रम इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। अभी ये हो गया रिजिड रॉड, ये लीवर हो गया लीवर एक, और बीच में फल्क्रम है ऐसा, फल्क्रम, ये फल्क्रम, ठीक है, फल्क्रम है, फल्क्रम, ये लीवर। यहाँ पे लोड है डब्ल्यू, यहाँ पे एफर्ट है पी, एफर्ट पी, यहाँ पे लोड डब्ल्यू लोड है। तो डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम ये हो गया लोड आर्म, एंड डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड ये फल्क्रम है ना बीच में फल्क्रम, ये हो गया एफर्ट आर्म, ठीक है। ले लोड और यहाँ पे एफर्ट है, डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फल्क्रम इज लोड आर्म, डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम इज एफर्ट आर्म। प्रिंसिपल ऑफ लीवर, अभी प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ऑल लीवर्स आर फंक्शनिंग इन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखो
ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, बराबर। अभी जो मैंने बताया ना, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। देयरफॉर मैकेनिकल लोड, देयरफॉर लोड अपॉन एफर्ट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, बराबर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई लिया किया है और यहाँ लिखा है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लास्ट क्लास में हमने देखा है, लोड अप मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ये कैसे आया, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या, लोड अपॉन एफर्ट, और लोड अपॉन एफर्ट क्या है, ये है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज ये आया, यहाँ से ये आया। क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर्स, टू टाइप्स के लीवर्स है, पहला है स्ट्रेट लीवर, दूसरा है कर्व लीवर। अभी स्ट्रेट लीवर में भी तीन टाइप हैं, पहला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, दूसरा है सेकंड ऑर्डर लीवर, तीसरा है थर्ड ऑर्डर लीवर, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या है, इन दिस टाइप द फल्क्रम इज लाइज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या है, फल्क्रम, ये फल्क्रम जो है, जो मेन पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट, या फिर रिवेट, या फिर बोल्ट, जो कुछ भी रहेगा, या फिर सपोर्ट, या कुछ सपोर्ट भी रहेगा, द फल्क्रम लाइज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। ये लोड है और एफर्ट, और बीच में फल्क्रम, तो ये लोड से फल्क्रम, लोड आर्म, एफर्ट से फल्क्रम, एफर्ट आर्म। देखो ये जो मैंने बताया ना एग्जाम्पल सिजलर, कि ये फल्क्रम हो गया, बीच का सेंटर जो है ना, रिवेट या फिर बोल्ट, ये जो रिवेटिंग होता है यहाँ पे, या फिर बोल्टिंग होता है, तो ये फल्क्रम हो गया। और हम जो हाथ में वो फिंगर में उंगली डाल के काटते हैं, वो एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट देते हैं हम यहाँ से, और ये लोड, यहाँ पे लोड मिलता है, एफर्ट यहाँ से देते हैं तो यहाँ पे लोड आता है, बराबर। एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर्स, सी सॉ, लकड़ी कटने के जो है ना करवत, वो क्रॉबार, बीम बैलेंस, हैंड पम्प एक्सेट्रा। ये किसमें आते हैं, किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के एग्जाम्पल। दूसरा है सेकंड ऑर्डर लीवर, इन दिस टाइप द लोड लाइज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, इन दिस टाइप लोड लाइज बिटवीन द, बिटवीन द लोड है, लोड लाइज, लोड किस में, किसके बीच में मिलता है, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड मिलता है। लोड कहाँ पे रहता है, फल्क्रम और एफर्ट के बीच। फल्क्रम मतलब क्या है, एक टाइप का सपोर्ट भी जिसे हम बोलते हैं, बराबर, जिसके सपोर्ट में वो लीवर घूमता है। तो ये देखो ये एग्जाम्पल है, हम लोग जब आपकी मम्मी लोग को पता होगा घर पे, लेडीज लोग को, कि जब वो अचार के आम काटने जाती है, तो जो है ना वो आम काटने वाले जो है ना, उनके पास ये टाइप का एक रहता है, बराबर, काटने का मशीन रहता है, बराबर। तो ये अभी यहाँ पे एफर्ट दिया तो लोड यहाँ पे मिला, और लेकिन इसका फल्क्रम की तरफ है, यहाँ पे फल्क्रम है, बराबर। यहाँ से हम लोग हाथ से एफर्ट देंगे तो यहाँ पे जो चीज़ कटेगा, हम बोलते ना आम काटने का रहेगा, अचार के लिए आम काटते तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करते, तो आम यहाँ पे रखेंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एफर्ट देंगे, मतलब यहाँ पे यहाँ से हम फोर्स देंगे तो उसका लोड यहाँ पे गिरेगा, तो उसके हम लोग छोटे छोटे आम के स्लाइस करते हैं। एग्जाम्पल नट क्रैकर्स, व्हील बैरो, पेपर शीट कटर,
बॉटम ओपनर्स, लायन स्क्वीजर एक्सेट्रा। अभी आपको ज़्यादा एग्जांपल डिटेल में एग्जांपल देखना होगा लाइव, तो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। गूगल में यूट्यूब में आप ये टाइप करेंगे तो आपको ऐसा, आप अगर सेकंड ऑर्डर लेवल ये टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल यूट्यूब में या गूगल में मिल सकते हैं। तीसरा है थर्ड ऑर्डर लिवर। देखो, इन दिस टाइप द एफर्ट लाइज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। इसमें क्या है, एफर्ट जो होता है लोड और फल्क्रम के बीच में होता है, ठीक है। एफर्ट क्या होता है, लोड और फल्क्रम के बीच में होता है। देखो फायर लॉन्ग्स ये एग्जांपल है, यहाँ पे एफर्ट बीच में दिया है, यहाँ पे जो कुछ भी फोर्स दिया है वो यहाँ से बीच में से दिया है, और लोड कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे लोड मिलता है, और यह फल्क्रम ये सपोर्ट में, ये सपोर्ट के बेस पे ये लीवर घूमता है, ये जो लीवर है ना वो ऑपरेट होता है। इन दिस टाइप द एफर्ट लाइज बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। एग्जाम्पल क्या है, द ह्यूमन फोर आर्म। देखो ह्यूमन फोर आर्म बराबर, आप ह्यूमन फोर आर्म देखेंगे तो ये थर्ड ऑर्डर लेवल का एग्जाम्पल है। फोरसेप्स, ब्रूम मतलब झाड़ू, फायर टंग्स, फिशिंग रॉड, ये सब फल्क्रम थर्ड ऑर्डर लेवल के एग्जाम्पल है। तीसरा है कर्व्ड लीवर, दूसरा टाइप है, ये दूसरा टाइप लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर के दूसरा टाइप है कर्व्ड लीवर। देखो ये कर्व्ड लीवर यहाँ पे दिया है, ये फल्क्रम है, यहाँ पे हम पावर देंगे या फिर एफर्ट देंगे और यह यहाँ पे लोड मिलता है। इन कर्व्ड लीवर द फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द पावर। फल्क्रम इज बिटवीन द लोड एंड द पावर। लाइक फर्स्ट ऑर्डर लीवर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लीवर के जैसे ही होता है। द डिग्री ऑफ कर्व बिटवीन द पावर आर्म एंड लोड आर्म। देखो ये कर्व है, डिग्री ऑफ कर्व है ना, पावर से फल्क्रम मतलब पावर आर्म, लोड से फल्क्रम तक मतलब लोड आर्म। द डिग्री ऑफ कर्व बिटवीन द पावर आर्म एंड द लोड आर्म विल बी फ्रॉम 0° to 180°। देखो 0° से 180° ये कर्व का एंगल होता है। इफ इट इज 90° कर्व देन इट इज कॉल्ड बेल क्रैंक लीवर। अगर ये डिग्री जो होता है, ये जो डिग्री है ये है, ये एंगल है, अगर ये 90° होगा तो उसे क्या कहेंगे, बेल क्रैंक लीवर। ये दिखता है ना, ये बेल क्रैंक लीवर है, कर्व लीवर। आप गूगल में सर्च करना, यूट्यूब में आपको इसके एग्जांपल्स आपको लाइव दिखेंगे, एकदम इजीली मिल जाएंगे। जो कुछ आपको अगर डिटेल में जानना हो, कुछ भी चीज़ जो हमने अभी बुक में पढ़ाई है या पढ़ी है, अब तक पढ़ी है, तो कुछ उसके बारे में डिटेल में जानना होगा या फिर उसके लाइव इमेज देखना होगा, तो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको सब इजीली वहाँ पे मिल जाएगा सब, क्योंकि किताब में पूरा डिटेल में नहीं रहता है, लाइव नहीं रहता है, एक्चुअल जो है ना, एक्चुअल इमेज नहीं रहती किताब में। हम गूगल या यूट्यूब से हम हर चीज़ की एक्चुअल इमेज, वो एक्चुअल मशीन क्या है, कैसी होती है, कैसे ऑपरेट होती है, वो हम गूगल में या यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। अभी एप्लीकेशन ऑफ लीवर्स, इन टाइपराइटिंग मशीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीवर्स आर यूज्ड, ठीक है। इन टाइपराइटिंग मशीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीवर्स आर यूज्ड, ये उसके एप्लीकेशन से लीवर्स के। थ्री टाइप्स ऑफ लीवर्स आर यूज कॉमनली ऑन मोटर व्हीकल ऑपरेशन, मतलब मोटर व्हीकल ऑपरेशन में थ्री टाइप के लीवर यूज होते हैं। हम जो मोटर व्हीकल चलाते हैं ना, इसमें
तीनों टाइप के लेवर के यूज होते हैं, वर्क ऑपरेशन वर्क सच एज ब्रेक लीवर एप्लीकेशन ब्रेक लीवर एप्लीकेशन क्लच पैडल भी एक टाइप का लीवर ही होता है, लीवर का ही एप्लीकेशन है, ब्रेक पैडल, बराबर ना। अब देखो इमेजिन करो कि ब्रेक लीवर एप्लीकेशन कैसा होता है, क्लच पैडल भी हम लोग कैसे, देखो क्लच पैडल कैसे पैर से दबाते हैं, ब्रेक पैडल, गियर लीवर, थ्रॉटल वाल्व ऑपरेटिंग लीवर, डोर हैंडल पिलर्स भी वैसा ही होता है, हम लोग हाथ से घुमाते ना एक टाइप का डोर हैंडल होता है, इसमें कैसा कपड़ का हैंडल होता है, तो कैसा हम लोग वहाँ पे फोर्स देते हैं तो लोड किसी और जगह पे मिलता है, ठीक है, जैक हैंडल एक्सेट्रा। तो ये सब एप्लीकेशन ऑफ लीवर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये एक टॉपिक क्लोज करते हैं, अभी आगे हम लीवर्स के एप्लीकेशन देखेंगे, सॉरी लीवर्स के ऊपर जो सम्स है वो देखेंगे।